पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बायोग्राफी अलर्ट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चले जाओ यहाँ से और फिर फूल कर भी इस घर में कदम मत रखना। लेकिन आखिर मैंने किया क्या? मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ये कहानी है एक बड़े ही जबरदस्त अभिनेता की, जिसका असली नाम जकारिया खान, फिल्मों में नाम मिला जयंत। डरते जंगोरा के सिपाही, डरते जंगोरा की रियाया डरती, सारी दुनिया जंगोरा से डरती है। देखा चंदा, तुम्हारे भगवान ने जिन्हें इंसान बनाया था, जंगोरा ने उन्हें गुलाम बना दिया। जन्म 15 अक्टूबर सन 1915 में हुआ था। ये नोधे पायान नावाकली पेशावर से ताल्लुक रखते हैं, जो कि अब पाकिस्तान में है। पक्के पख्तूनी और अफगानी लीनियत से आए। ये बात जानकर हैरानी होगी कि फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले ये राजस्थान के अलवर इलाके में एक पुलिस ऑफिसर थे। माफ कीजिए ठाकुर साहब, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ, बड़े शौक से तलाशी लीजिए। थोड़ा सा वक्त में पीछे जाएंगे तो पता चलता है कि जयंत के वालिद, जो खुद एक बड़े लंबे चौड़े खूबसूरत पठान थे, उनकी प्रतिभा और उनके डील डॉल से लोग बड़े मुतासिर हो जाया करते थे, पर जिंदगी में वो हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहना चाहते थे। इस वजह से उनकी 4 शादियां हुई और सबसे कम उम्र की बीवी से 3 बेटे हुए, जिनमें से सबसे छोटे रहे जयंत। जिंदगी की राह पे आगे बढ़ते हुए जयंत साहब के वालिद पहुंच गए राजस्थान के एक महाराजा के पास। महाराजा इनसे इतना मुतासिर हुआ कि जयंत के वालिद वहां पर बतौर कोच रख लिए गए। ये महाराजा को टेनिस सिखाते, स्क्वाश सिखाते और वहीं पर जयंत साहब की तरबियत भी होने लगी। ये महाराजा की कैवलरी में सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिए गए थे। तुम मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर से कदम भी बाहर नहीं रख सकती। अब मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया, ताकि मैं तुम्हें जान साथ से अलग कर दूँ और बदनामी और सफाई की शिल्लत से बचाऊँ और तुम्हें मोहब्बत के नाम पर बात की तरफ जाने से रोक सकूँ। पर 2-4 साल काम करने के बाद जयंत साहब को लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतनी डिसिप्लिन लाइफ कैसे जीऊंगा पूरी जिंदगी। पर बदकिस्मती से ये 4th कक्षा से आगे पढ़े नहीं थे। इनके वालिद ने खुद ही कह दिया था कि पढ़ाई लिखाई में क्यों अपना वक्त जाया करना है, इंसान बहुत सी जगह घूमकर लोगों से बातचीत करके भी तो बहुत कुछ सीख सकता है। पर जयंत साहब और इनके भाई के बीच कोई अलग ही योजना बन रही थी। योजना ये थी कि राजस्थान छोड़ ये बम्बई पहुंच जाएंगे, और ठीक वैसा हुआ भी। उस जमाने में पारसी थिएटर बहुत हुआ करता था और एंग्लो इंडियंस की भी भरमार थी। ये वो लोग थे जो हिंदी ठीक से नहीं बोल पाते थे। दीवान जी। यस सर। इधर आओ। यस सर। अभी जाकर एक्सप्रेस तार दो। यस सर। उन तमाम लड़कियों को यहाँ बुलाने का इंतजाम करो। यस सर। अब बड़ी ये इंतखाब हम खुद करें। यस सर। यस सर। अभी जयंत साहब संघर्ष कर ही रहे थे कि एक चौकीदार ने इन्हें देख लिया। इत्तफाकन वो भी पठान था। उस स्टूडियो के चौकीदार ने स्टूडियो के मालिक से कहा कि ये लड़का है, अगर इसके लिए कुछ काम बन जाए तो बड़ा अच्छा होगा। बातचीत के दौरान पता चला ये जो लड़का है जकारिया खान, जो आगे जाकर जयंत के नाम से मशहूर हुए, ये तो घुड़सवारी भी कर लेते हैं, बंदूक भी चला लेते हैं, तलवारबाजी भी आती है। बस जी, प्रोड्यूसर साहब ने जयंत को तो एक छोटा सा रोल दे दिया और इनके बड़े भाई को बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर रख लिया। बैनर था प्रकाश पिक्चर्स, प्रोड्यूसर थे शंकर और विजय भट्ट। उस वक्त 30 रुपये महीने की नौकरी किया करते थे ये। क्यों बाबू, यहाँ नए नए आए हो? जी हाँ, अभी कुछ दिन ही हुए। घूमने फिरने या? नहीं, नौकरी करता हूँ मैं। कहाँ? ये नीचे राजा साहब के टिम्बर स्टेट में। कहाँ? राजा साहब के टिम्बर स्टेट में नौकरी करता हूँ। चले जाओ यहाँ से और फिर फूल कर भी इस घर में कदम मत रखना। लेकिन आखिर मैंने किया क्या है? मैं कुछ कहना नहीं चाहता। बापू, चले जाओ यहाँ से। जयंत साहब का सिक्का धीरे धीरे जम रहा था, पर तभी एक बहुत बड़ा रोल इनकी जिंदगी से निकल गया। हुआ यूं कि सोहराब मोदी साहब, जिन्होंने फिल्म सिकंदर बनाई थी, उन्होंने एक दिन सेट्स पर जयंत साहब को सिगरेट पीते देख लिया और ये कह दिया कि हमारे मिनर्वा मूवी टोन के सेट्स पर कोई सिगरेट नहीं पीता। जयंत साहब ने माफी मांगी और कहा कि जब फुर्सत होगी तो मैं बाहर जाकर सिगरेट पी लूंगा। सोहराब मोदी ने कहा, आप सिगरेट पी ही नहीं सकते जब तक आप ये फिल्म कर रहे हैं। ये बात जयंत साहब को जरा अखर गई। इन्होंने वो फिल्म छोड़ दी और तब वो रोल मिला पृथ्वीराज कपूर को। ये मुश्किल है। क्या मुश्किल है? आप बादशाह हैं, फातेह हैं, निकट और हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। हम दुनिया के सामने बादशाह हैं,
हैं, निका टोर हैं, मगर उस्ताद के सामने एक नादान बच्चे से भी ज्यादा नादान है। अरस्तु अगर चाहे तो हम जैसे कई सिकंदर बना सकता है, मगर 1000 सिकंदर अगर तमाम उम्र सर पटकते रहें तो भी एक अरस्तु नहीं बना सकेंगे। इसी बीच जैन साहब की शादी करा दी गई। लड़की का नाम खुमरान सुल्तान। इस लड़की की उम्र उस वक्त बस 13 बरस की थी। जैन साहब की स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की थी। हैरत की बात यह है कि फिल्म मेरा गांव मेरा देश और शोले, इन दोनों फिल्मों के बीच बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो एक जैसी लगती हैं। मेरा गांव मेरा देश में जैन साहब थे और शोले में जैन साहब के बेटे अमजद खान। तेरा क्या होगा कालिया। 2 जून 1975 वो तारीख बनकर आया जब थ्रोट कैंसर की वजह से जैन साहब का इंतकाल हो गया। ये अपने बेटे की सफलता पूरी तरह से ना देख पाए क्योंकि तब फिल्म शोले को रिलीज हुए कुछ ही वक्त हुआ था। पर जयंत भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के वो नाम हैं जिनके बगैर ये इंडस्ट्री अधूरी सी लगेगी। महान प्रतिभाओं के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल एंड हिस्ट्री।